A very good morning to all of you. I welcomes you all to online classes of Saraswati Shikshan Sadan Agriculture College, Shri Gahanagar. Today's course is for BSc AG Honours second year, first semester. Subject name is AENGG211. Farm, Power and Machinery. Lecture number 17, Primary Tillage, presented by Engineer Simran Singh Gill. बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो क्या है? प्राइमरी टिलेज. प्राइमरी मतलब प्राथमिक जुताई. यह कब की जाती है? सॉयल टिलेज आफ्टर लास्ट हार्वेस्टिंग. लास्ट कटाई के बाद हम जो टिलेज जुताई करते हैं, किसके लिए? बेड बनाने के लिए, सीड बोने के लिए. ये उसको क्या बोला जाता है? प्राइमरी जुताई. इट नॉर्मली कंडक्टेड. ये इसको कब कंडक्ट किया जाता है? जब सॉयल गीली हो हमारी. और वो क्या अलाउ करेगा हमें? अप्लॉइंग, खोदने के लिए प्लाउ करेगा. स्ट्रॉन्ग इनफ एंड रीजनेबल लेवल ऑफ ट्रैक्शन, मतलब वो इतना स्ट्रॉन्ग हो कि हमें जो खुदाई के जितना हमने खोदना है उतना खुदाई हमें आराम से मिल जाए. मतलब हमने क्या करना है? बेड प्रिपरेशन करना है प्राथमिक जुताई के अंदर. तो प्राइमरी टिलेज को यह बोला जाता है. नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर यूज होते हैं? बच्चों, सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है वो है वुड प्लॉ, फिर सॉयल टर्निंग प्लॉ, मोल्ड बोल्ड प्लॉ. इसमें से कुछ चीजें आपने पहले देख रखी होंगी, नहीं देखी होंगी तो कुछ चीजें मैं बता देता हूँ. उनका थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन है आपको. उसके बाद में डिस्क प्लॉ क्या होती है, उनका यूज कहाँ है, सब सरफेस सॉयल प्लॉ क्या होती है, चीजल प्लॉ क्या होती है, वन वे प्लॉ मतलब जुताई के लिए प्लॉ जुताई करनी है उसके लिए हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट प्लॉ यूज करते हैं, कौन कौन से प्लॉ की रिक्वायरमेंट हमें है. पहला जो है मोल्ड बोल्ड प्लॉ. मोल्ड बोल्ड प्लॉ जो आपको डायग्राम दिख रहा है नीचे, वो यूज किया जाता है. इसके अंदर क्या होता है? कई सारे पार्ट होते हैं. फॉग होता है, बॉडी होती है, विंग्स होते हैं, शेयर होता है और लैंड साइड रॉड होती है और हैंडल होते हैं. इनके बारे में हम अगले डायग्राम में मैं आपको पूरे बेटर प्रजर्वेशन मतलब खुदाई के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. इसका डायग्राम आगे आपको मैंने एक दिया है. उसके अंदर ये तो रॉड हैं जिनकी बात कर रहे हैं, ये क्या है? मोल्ड बोल्ड. इसके अंदर मिट्टी टकराएगी और बाहर की ओर फेंक दी जाएगी. ये विंग हैं शेर के, मतलब शेर एक ऐसा पॉइंट है जो मिट्टी को खोदने के काम आता है. और मिट्टी जो सबसे पहले खोदी जाएगी वो तीखी चीज से खोदी जाती है, जिसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ शेयर. मतलब जो शेयर, शेयर मतलब उसके साथ में जुड़ता है मिट्टी और प्लॉ का जुड़ाव को, पॉइंट को क्या बोला जाता है? पॉइंट ऑफ शेयर. मतलब वो कट करने के काम आता है, वो तीखा होता है. फ्रॉग क्या है? जिस पार्ट पे मोल्ड और शेयर ये दोनों जुड़ते हैं उस पॉट को वो बोला जाता है फॉग. लैंडस्लाइड क्या है? जो पीछे सपोर्ट देने के काम आता है. ग्रनल ये हुआ. तो ये पार्ट्स हैं. कौन कौन से पार्ट्स हैं बच्चों? शेयर, शेयर जो मिट्टी को उठाने के काम आता है. मोल्ड, मिट्टी को फेंकने के काम आता है मोल्ड बोर्ड. और पॉइंट ऑफ शेयर क्या है? जो पॉइंट उसके कॉन्टेक्ट में आता है. तो बच्चों यही इम्पॉर्टेंट है इसमें कि कौन कौन से तरीके के प्लॉ होते हैं. तो ये छोटा ही टॉपिक है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है. और चाहिए तो और डिटेल से भी हम पढ़ सकते हैं. तो ये लोहे का बना होता है, माइल्ड स्टील का नहीं बना होता है. ये माइल्ड स्टील का नहीं, कास्ट आयरन का बना होता है. जो पॉइंट है ये क्या? हाई कार्बन स्टील का बना होता है. तो अगले वाली स्लाइड करते हैं. तो उसके बाद में आता है डिस्क प्लॉ. डिस्क प्लॉ को कब हम यूज करते हैं? जब मिट्टी के अंदर वीड
जिसको बोलते हैं खरपतवार ज़्यादा हो उनको इनको ख़त्म करना हो तो हम डिस्क प्लॉ का इस्तेमाल किया जाता है। या वर्क्स वेल, ये कहाँ पे बहुत अच्छे ढंग से काम करती है, जहाँ पे स्टोन फ्री सॉयल हो और गहराई तक हमें जाना हो और वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नो हेरिंग इज नेसेसरी टू ब्रेक क्लाउड्स। क्लाउड्स मतलब मिट्टी के मिट्टी जो है उसके ब्लॉक जो बन जाते हैं उनको तोड़ने के लिए हमें ज़रूरत नहीं होती, तो वहाँ पे हम डिस्क प्लॉ के लिए जाते हैं। ये डायग्राम है बच्चों डिस्क प्लॉ का। आगे है वुडन प्लॉ। वुडन प्लॉ क्या है, इंडिजुअस प्लॉ है जो कि वुड का बना होता है, आयरन का नहीं बना होता। ये मोस्टली पहले इस्तेमाल किया जाता था और इसका काम क्या था कि ये मिट्टी को इन्वर्स नहीं करता, इन्वर्स मतलब उल्टा नहीं करता, और यह किसे एनिमल से काम करता था, और ये क्या है कि बहुत ज़्यादा गीली जगह में इसका इस्तेमाल होता है। जो बीच में जो फरो है, फरो मतलब मिट्टी को फेंकने के काम नहीं आता, पलटने के काम नहीं आता, सिर्फ फेंकता है। आगे चलते हैं। फिर रोटरी प्लॉ का इस्तेमाल होने लगे, बड़े बड़े प्लॉज का। वो कब तक का? 12 से 15 सेंटीमीटर तक काटने और लाइट सॉइल को काटने के काम आते हैं। सब सॉइल, सब सॉइल बच्चों डिज़ाइन क्या किया जाता है, सब सॉइल मतलब डूंगी, जहाँ पे जो फसल हमें ज़्यादा डूंगी बीजनी है उसके लिए जो प्लॉ का इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं सब सॉइल। विदाउट ब्रिंगिंग देम टू द सरफेस, द बॉडी ऑफ द सब सॉइल इज, जैसे कि हम आलू, ये आलू हो गया या शुगर केन हो गया, उसको बहुत नीचे ढूंढते हैं, तो उसके लिए सब सॉइल प्लॉ का इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों इस टाइप के प्लॉ ये हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं, जो कि प्राइमरी टिलेज के अंदर आते हैं। प्राइमरी टिलेज का मतलब है प्राथमिक जुताई के लिए, सीड बेड प्रिपेयर करने के लिए हम जो जो प्लॉ या जो जो कार्य करते हैं वो इसके अंदर आते हैं, मोस्टली इसके अंदर प्लॉ आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे वो क्या है, सेकेंडरी प्लॉ, और इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी बच्चों, एक छोटा सा टॉपिक और रह गया था जिसको मैं अभी समझाने वाला हूँ कि कई सारे पार्ट्स हैं जो मोल्ड बोर्ड प्लॉ के अंदर होते हैं। शेयर, शेयर जो है वो क्या करता है, शेयर जो है वो सॉइल के अंदर पेनिट्रेट मतलब अंदर जाता है और उसको हॉरिजॉन्टल मतलब जब वो ऐसे जाएगा सॉइल के अंदर, प्लॉ जो है आपका ऐसे जाएगा तो वो क्या करेगा कि वो ज़मीन को काटेगा, हॉरिजॉन्टली काटेगा, ताकि आपकी मिट्टी या फरो जो है, मिट्टी को फरो बोला जाता है, वो फरो बाहर निकल जाए। अब मोल्ड बोल्ड क्या करता है, मोल्ड बोल्ड उसके ऊपर लगा होता है। मोल्ड बोल्ड प्लॉ के ये कंपोनेंट्स हैं, वो ऊपर वाला पोर्शन होता है, वो मिट्टी को उल्टा करके फेंक देगा। लैंडस्लाइड का क्या काम है, एक फ्लैट प्लेट है अगेंस्ट एंड टर्मिनेट्स द रियर साइड ऑफ द थ्रस्ट ऑफ द प्लॉ। मतलब लैंडस्लाइड क्या है कि नीचे एक प्लेट लगी है जो कि प्लॉ के अंदर थ्रस्ट, झटका लगता है जब वो अंदर कट करने के लिए जाएगी तो उसके लिए रोकने का काम करेगा। अब फॉग, फ्रॉग, FROG, फ्रॉग क्या है, जहाँ पे सारे कंपोनेंट को अटैच किया जाता है मोल्ड बोल्ड प्लॉ के अंदर, उसको क्या बोला जाता है, फ्रॉग। तो ये कंपोनेंट्स हैं किसके, मोल्ड बोल्ड प्लॉ के। अब क्या है उसके टाइप, क्योंकि प्लॉ बॉटम, प्लॉ बॉटम के अंदर प्लॉ का शेप कौन कौन सी होती है। पहली होती है जर्नल, जर्नल उसमें क्या किया जाता है कि वो सिंपल जर्नल पर्पज या मोल्ड बोल्ड प्लॉ होती है, कार्मिक क्रिमिक मोड के साथ काफ़ी लंबी सतह, थोड़ा ऊपर से कॉनकेव कॉनवेक्स होता है, सतह होती है, और वो फरो स्लाइस को अच्छे सतह तरह से प्रभाषित करता है। मतलब वो जो
जब ये वाला पोर्शन लंबा होता है तो कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स होने के कारण ये जो मिट्टी की सतह है उसको अच्छे ढंग से काटता है। उसके बाद में स्ट्रबल क्या है? स्ट्रबल सॉइल के लिए हम स्ट्रबल टाइप का औजार या प्लॉ का इस्तेमाल करते हैं। एक संक्षिप्त एक अचानक प्रकृत मतलब लिख व्यापक साइज है जो मिट्टी को पलटने के काम आता है। ग्रास जैसे है, छोटी छोटी ग्रास है उनको उनके लिए काम आता है। तो मिट्टी ग्रास आर डिफरेंट मतलब ग्रास नहीं है, प्रॉपर घास नहीं है, लेकिन ग्रास जैसी छोटी छोटी चीजें हैं उनको लिए काम आता है। उसका वो मिट्टी के स्लाइस को प्रॉपरली अलग नहीं करता। बच्चों ये फर्क है। इसमें कॉन्वेक्स जो ये वाला शेप है ये कॉन्वेक्स है, इसमें कॉन्वेक्स नहीं है, थोड़ा स्ट्रेट है। उसके बाद में स्ट्रॉड या ब्रेकर, ब्रेकर का क्या मतलब है? तोड़ना, मिट्टी के दड़ों को तोड़ना इसका स्ट्रॉड या ब्रेकर का काम है। फिर सिल्ट, सिल्ट का क्या काम है? जहां पे चिकनी मिट्टी है वहां पे सिल्ट मोल्ड बोर्ड प्लॉ का इस्तेमाल किया जाता है। वो मिट्टी के कणों को अलग अलग कर देती है, वो उसके ऊपर मोल्ड पे चिपकती नहीं है। तो ये चार तरीके के हैं, एक तो जनरल पर्पस, एक स्ट्रबल, एक सॉड और एक सॉल्ट। अब जनरल पर्पस में क्या होगा? मिट्टी की जो तह है वो अलग से डिफाइन की जाएगी और उसको पलटा जाएगा। स्ट्रबल में क्या होगा? घास वगैरह छोटे कण है उनको, और सॉड क्या है? वो तोड़ने के काम आता है, मिट्टी के ब्रेक करने के काम आता है। सिल्ट स्लैट कौन सा है? स्लैट जो है चिकनी मिट्टी को अलग करने के काम आता है। तो बच्चों ये भी आपके प्रिमरी टिलेज में मोल्ड बोल्ड प्लॉ का थोड़ा सा पार्ट रह गया था जिसको मैंने अभी आपको समझा दिया। थैंक यू वेरी मच।